सनातन धर्म में घर मास को खराब मास और शुभ कार्यों के लिए अनुचित समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की धरती से दूरी होती है। खर मास का दूसरा नाम मल मास कहलाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार खर मास के समय सूर्य की ज्वाल धीमी होती है, इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। लेकिन अगर कोई भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं तो वो पूजा पाठ मंत्र साधना है। बता दें कि इस बार खर मास की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है और इसका समापन 14 जनवरी साल 2023 यानी कि अगले साल होगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खर मास होता क्या है। सूर्य के धनु या मीन राशि में गोचर करने की अवधि को ही खर मास कहते हैं। सूर्य देव जब भी गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु या मीन पर भ्रमण करते हैं तो उसे प्राणी मात्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। गुरु सूर्य देव का गुरु है, ऐसे में सूर्य देव एक महीने तक अपने गुरु की सेवा करते हैं। खर मास में खर का अर्थ दुष्ट होता है और मास का अर्थ होता है महीना, इसे आप दुष्ट मास भी कह सकते हैं। इस महीने में सूर्य बिल्कुल ही तेजहीन हो जाते हैं। मार्ग शीर्ष और पौष का संधि काल खर मास को जन्म देता है। मार्ग शीर्ष माह का दूसरा नाम अग्र ग्रहण भी है, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर अग्रहण हो गया है। अग्र ग्रहण एवं पौष के मध्य ही खर मास पड़ता है। इन महीनों में सूर्य की किरणें कमजोर हो जाती है। इनके धनु राशि में प्रवेश के साथ ही राशि स्वामी गुरु का तेज प्रभावहीन रहता है और उनके स्वभाव में उग्रता आ जाती है और इसे ही खर मास कहा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।